कुछ जज्बा तिरंगे की आन का, कुछ भक्ति मातृभूमि की शान की, कुछ करें ऐसी हिम्मत से काम की बन जाए देश की शान। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ IAS राहुल यादव जी। राहुल यादव जी कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन CEO जम्मू स्मार्ट सिटी। राहुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये आपसे कहूंगा कि आपने जो देश की सर्वोच्च डिग्री प्राप्त की IAS की, तो ये आप किसको श्रेय देते हैं, अपनी मेहनत को, डेस्टिनी को या और कोई? देखिएगा वो इन द एंड वो मैं इसी तरीके से ही उसको ट्रीट करता हूँ। इन द एंड इट्स एन एग्जाम, यू हैव टू क्लियर इट, सो इट्स नॉट दैट ऑफ बिग ऑफ अ डील जी, बट इन इंडिया मेक इट अ बिग डील, बट अदरवाइज इन द एंड जैसे दूसरी जॉब है ये भी एक जॉब है जी। तो बट ये है कि मींस इट्स अ डेस्टिनी दैट इट्स मींस आई एम फॉर्चुनेट इनफ दैट आई गॉट इनटू IAS एंड आई एम एबल टू सर्व इन दिस पोजीशन। जी 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 बहुत बढ़िया। अभी जैसे जम्मू को स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल किया गया है और उसका कारोबार आपको संभाला गया है, तो उसके लिए थोड़ा जानना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी एज ए लेमेन की लैंग्वेज में क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, अर्बन लोगों को इसका क्या फायदा है और एक आम जनता को इससे क्या लाभ मिलता है? देखिएगा स्मार्ट सिटी का अगर आप हमारा स्मार्ट सिटी का विजन डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हमने ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट करने हैं कि जिसको रेप्लिकेट किया जा सके। हमने इसमें एक कोर एरिया डिफाइन करना है और उस कोर एरिया में कुछ ऐसे काम कर दिखाने हैं जिसको फर्दर रेप्लिकेट किया जा सके रेस्ट ऑफ द सिटीज में, रेस्ट ऑफ द एरिया में, दूसरी जगह पर उसको तो, और उसके साथ साथ जो हमारी जो सिटीज है उनको बेहतर डाटा इनेबल, बेहतर उनको जो अर्बन मोबिलिटीज है वो उसको बेहतर करना, और उसके साथ साथ एनवायरमेंट, उस टाइप के वर्क इसमें लिए जा रहे हैं, चाहे वो मोबिलिटी के हो, चाहे वो सिटी ब्यूटिफिकेशन के हो, फसाद इम्प्रूवमेंट के हो। और इसका एक यही है कि हम ऐसे एग्जाम्पल भी क्रिएट कर सकें जिसको हम बाद में रेप्लीकेट कर सकें अपने फंड से। तो जैसे कि कुछ काम जो कि हमारे जो हम पहली बार कर रहे हैं यहाँ पर, कि हमारा चाहे वो डिजिटलाइजेशन का वर्क हो या फिर जो है वो डेटा प्रोसेसिंग का वर्क हो, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हो, फॉर एग्जाम्पल कि हम इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हम जम्मू में स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें भी हमने अपने कुछ जंक्शन रखे हैं, कल को हम उसको रेप्लीकेट कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द यूटी में, उसकी लर्निंग्स को यूज कर सकते हैं दूसरी जगहों पर। तो उस टाइप की चीजें जा रही है, और ऑलरेडी जैसे कि हमने अपनी यहाँ पर हम GIS मैपिंग कर रहे थे जम्मू में, सेम यहाँ की लर्निंग की बेसिस पर हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अब रेस्ट ऑफ द सिटीज जो है हमारी उनकी भी GIS मैपिंग की जा रही है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो कि यूटी गवर्नमेंट है हमारी वो अंडरटेक कर रही है अपने फंड से। सो इन लर्निंग है कि हम स्मार्ट सिटी का एक मकसद ये भी है कि ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट करना कि जिसको हम दूसरी जगह फिर रेप्लीकेट कर सके और इनोवेटिव कार्य कर सके, जो कि अदरवाइज जो उसमें हमारे पास उतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती है, कई बार उतने फंड्स भी नहीं होते हैं सिटी पर कि उन वर्क को एग्जीक्यूट किया जा सके। जी जी, जैसे जम्मू की अभी तक पहचान है हेरिटेज सिटी की या मंदिरों के लिए पहचान है, तो जम्मू को कैसे चुना गया, क्यों चुना गया हेरिटेज इसमें स्मार्ट सिटी के लिए? देखिएगा इसमें स्मार्ट सिटी चैलेंज में जो हम जो है वो राउंड 3 में जो है जम्मू जो है सिटी को चुना चूज किया गया, और उसमें जो हमारी देन प्रेजेंटेशन के बेसिस पर जो हमने अपना प्रपोजल सबमिट किया उसके बेसिस पर जम्मू का सिलेक्शन हुआ था, जम्मू अलोंग विद सम अदर सिटीज इन द फेज 3 वर्क वाज स्टार्टेड इन जम्मू, एंड अकॉर्डिंगली जो ऑलरेडी जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है महुआ में जो गाइडलाइंस है उसकी, उसके तहत जम्मू को उस समय चूज किया गया था और उसी के अकॉर्डिंग हमारे वर्क चल रहे हैं यहाँ पर। हमने जो है हम क्योंकि हमारी एक ये सिटी ऑफ टेम्पल्स जम्मू को इस नाम से जाना जाता है, तो इसमें से हमने काफी अपने जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करते हुए ही हम अपने काफी सारे काम कर रहे हैं, जो हमारे हेरिटेज ट्रेल है, जो हमारी जो ओल्ड टेम्पल्स हैं उनको कनेक्ट करते हुए हम एक हेरिटेज ट्रेल भी जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड में के थ्रू डेवलप कर रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारी जो काफी सारी थीम्स जो हमारी है जो सिटी ब्यूटिफिकेशन में दीज आर ऑन दिस पैटर्न ऑफ जो हमारा हेरिटेज है उसको शोकेस करते हुए वी आर डूइंग दैट। जी जी, जैसे स्मार्ट सिटी के 8-10 पॉइंट्स हैं जो उसको कंप्लीट करना होता है, तो आप 10 के 10 पॉइंट इसमें कंप्लीट करेंगे जम्मू के लिए या कुछ कामों को ही सीमित करेंगे? देखिएगा जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें हमारा एक तो बेहतर अर्बन एनवायरमेंट के लिए सिटी ब्यूटिफिकेशन के काम चलते हैं, इसी टाइप से मोबिलिटी के लिए
वी आर इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल बसेस इन जम्मू। इसी तरह बिल्कुल से हम रोड्स का भी हम काम कर रहे हैं, काफी सारे बेहतर एनवायरनमेंट के लिए। हम जो हमारा जो पार्क्स एंड गार्डन्स काफी सारे हम डेवलप कर रहे हैं, और ग्रीन स्ट्रिप्स डेवलप, ग्रीन प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। और इसी तरीके से एक तवी रिवर फ्रंट जो कि एक हमारा एक मेजर प्रोजेक्ट है यहाँ पर, उसको हम डेवलप कर रहे हैं। और उसी तरीके से जो बेहतर ई सर्विसेज, क्योंकि इसमें ई गवर्नेंस भी एक मेजर पार्ट था, तो हम उसके लिए हम यहाँ पर हमारा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एंड जीआईएस मैपिंग हम जो है पूरी सिटी की कर कर, और जीआईएस इनेबल्ड हम जो है वो डिजिटल सर्विसेज वो भी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके यादव जी, ये कब तक कंप्लीट करने का आपका प्रोग्राम है? देखिएगा, ये जो हमारा जो 2000 जो हमारा ये इस साल हमारे जो है सारे प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, वी विल बी कंप्लीटिंग ऑल दिस प्रोजेक्ट इन दिस फाइनेंशियल ईयर। जैसे और भी सिटीज जो स्मार्ट हुए हैं अभी तक, उसमें कोई 82 होता है, कोई 70 होता है, कोई 75% तक स्मार्ट सिटी की उसमें आता है रेंज में, आपका 100% करने का इरादा है या कुछ कम परसेंट रह जाना है? पूछो बात भी। सारे सिटी का ही 100% का है, कोई भी सिटी ऐसा नहीं है जो कि ये बोलेगा कि हम 80% ही करेंगे या फिर 90% ही करेंगे। इवन हाँ काफी सारे सिटी फेज वन के सिटीज थे वो कंप्लीट भी कर चुके हैं 100%। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंदौर है, क्योंकि इट वॉज इन फेज वन, तो उनके वो 2014 में स्टार्ट हुए, 2015 में स्टार्ट हुए हैं। हम फेज थ्री और फोर्थ में जो है, हम थ्री और फोर्थ बेसिकली साथ में ही क्योंकि आए थे दोनों फेजेस, तो हम लेटर फेजेस में आए थे। तो 2017 में हमारे प्रपोजल सबमिट हुए, 2018-19 तक हमको जो है अप्रूवल्स मिले। सो वी स्टार्टेड अ बिट लेट, एंड उसके बाद क्योंकि कोविड भी आया उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा डिटेल भी हुआ, बट आफ्टर दैट वी आर राइट नाउ हमारे सारे वर्क चल रहे हैं, एंड वी आर वर्किंग इन फुल स्विंग, एंड वी आर होपफुल दैट वी विल बी कंप्लीटिंग ऑल दिस वर्क इन दिस ईयर। ओके यादव जी, इससे आर्थिक लाभ भी होता है पब्लिक को। देखिएगा, कोई भी सिटी जब बेहतर बनता है तो उसके जो हर तरह के जो है टेंजिबल और अनटेंजिबल दोनों टाइप के बेनिफिट्स वहाँ पे जो निवासी होते हैं उसमें होता है उनको, कि फॉर एग्जांपल अगर हम बेहतर बनाते हैं तो उनको बेहतर मोबिलिटी मिलती है, जो बेहतर जब हम जहाँ पर भी हम बेहतर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, देर इज ए कोरिलेशन बिटवीन बेटर सर्विसेज एंड सिटी डेवलपमेंट, कि जहाँ पर बेहतर सर्विस होती है वहाँ पर अपने आप बिजनेस अट्रैक्ट होता है, जहाँ पर बिजनेस अट्रैक्ट होता है वहाँ पर बेहतर सर्विसेज आती है। सो इट्स ए पॉजिटिव कोरिलेशन ये देखने को मिलता है। तो जैसे कि हम तवी रिवर फ्रंट बना रहे हैं, उससे लोगों को एक टूरिज्म अट्रैक्शन वो लोगों के लिए बनेगा, और वहां पर हम रियल एस्टेट भी डेवलप कर रहे हैं जिसको विच विल बी जो है फर्दर मोनेटाइज्ड, जिसमें हम वहां पर जो है उसको एक एज ए टूरिस्ट हब हम जो है वहां पर हम थीम बेस्ड पार्क और रिक्रिएशनल जो है वो जो हम बना रहे हैं, तो उससे एक बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से हमारे और भी जो प्रोजेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ई बसेस जम्मू में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम जो है जम्मू में जो है स्ट्रीट डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, फसाड इम्प्रूवमेंट के हमारे काफी सारे काम हैं, हमारी जो ओल्ड हेरिटेज है मुबारक मंडी उसका फसाड इम्प्रूवमेंट, उसका जो फसाड लाइटिंग, इसके अलावा हमारे और भी जो हेरिटेज स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे काफी सारे पुराने टेम्पल हैं यहाँ पर, तो उन टेम्पल्स का जो फसाड इम्प्रूवमेंट जो है और उन टेम्पल्स के इन एंड अराउंड जो फैसिलिटीज है, कि फॉर एग्जांपल उन टेम्पल्स को जो अप्रोच रोड जाती है, उन टेम्पल्स को जो 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 है जो वहां पर जो आसपास जो एमिनिटीज है, वी आर इम्प्रूविंग दैट एज वेल। तो जो टूरिस्ट का फुटफॉल है वो जाहिर तौर पर इस इन चीजों से बढ़ेगा, और उसका जो है बेनिफिट एज इकॉनमी लेवल पर पूरे सिटी को होता ही है। राहुल जी, जैसे एडवांसमेंट से कहीं ऐसा तो नहीं जो शहर का ओरिजिनल कल्चर है, आप मान लीजिए मंदिरों का है या हेरिटेज का है, तो वो थोड़ा सा इफेक्ट करता हो? देखिएगा, किसी सिटी का जो इनहेरेंट कल्चर होता है वो ऐसा नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट की किसी स्कीम से वो बदलता है, वो और उस स्कीम को साथ में रखते ही हम जो है वो उसको डेवलप करते हैं। हमारी जो थीम भी जो है वो हमारी जो कल्चरल जो हमारी हेरिटेज है उसी को रखते हुए हमारी थीम भी है। हम जो ब्यूटिफिकेशन के बारे में हैं उसमें भी जो हमारी जो यहाँ की कल्चरल थीम्स हैं उसको ध्यान में रख रहे हैं, इसी तरीके से जो दूसरे भी बात है, और उसमें जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व। इट इज नॉट लाइक दैट कि इट इज ए टॉप डाउन अप्रोच की जिसमें टॉप से जो है वो चीजें डिसाइड की जा रही है, इट्स अ बॉटम अप अप्रोच जिसमें कि हमारे जो लोग हैं उनकी भी राय ली जाती है, उनके भी जो है इनपुट्स लेकर हम काम करते हैं।
और जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो है, जो हमारे यहाँ पर जो फेमस जो जो पॉइंट्स हैं, चाहे जैसे कि हमारी जो मोस्ट रिवर्स टेम्पल में से हमारे आते हैं, बावे वाली माता का मंदिर आता है, महामाया टेम्पल आता है, हर की पौड़ी का आता है, वी आर डेवलपिंग फैसिलिटीज इन एंड अराउंड दैट। इसी तरीके से हमारा जो रघुनाथ बाजार है वहां पर वी आर डेवलपिंग इट सेट से हेरिटेज ट्रेल। इसी तरह से हमारा जो और हमारे फोर्ट है, बाहू फोर्ट है, हमारा मुबारक मंडी है, वी आर डेवलपिंग देम, वी आर प्रिजर्विंग दोस जो हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स है। एंड उसके साथ ही जो जो उसके साथ ही हम रोड इम्प्रूवमेंट के वर्क है, आई डोंट थिंक कि रोड इम्प्रूवमेंट के वर्क से किसी शहर का कल्चर इफेक्ट होगा। कल्चर इज ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट थिंग। वी आर ऑल मोस्टली वी आर डूइंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क कल्चर को जो है वो चेंज नहीं कर सकता, जो कि इनहेरेंट कल्चर है वहां का वो तो वही रहेगा। ठीक। नहीं, मेरा तो मतलब ये भाव था कि अगर किसी झोंपड़ी को आप मिटाकर कोई बढ़िया शानदार महल बना देते हैं, घर बना देते हैं, तो उसकी आत्मा तो मर जाती है ना उस झोंपड़ी की। वो हम ना तो हम कोई लैंड एक्विजिशन वर्क, ना हम जो है किसी का घर तोड़ रहे हैं। तो ठीक क्योंकि बिकॉज ऑल वर्क वी आर डूइंग ऑन स्टेट लैंड और गवर्नमेंट लैंड और जेएमसी लैंड्स, और मोस्ट ऑफ हमारे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स है कि रोड ठीक इम्प्रूवमेंट हो गया है, हम बाइसिकल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पब्लिक बाइक शेयरिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ई बसेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऑलरेडी बसेस चल रही थी, उसकी जगह ई बसेस चल रही हैं, लोग ओके। साइकिल थे, हम वापस उनको साइकिल यूज करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। तो जो है उस कल्चर तरह में की चीजें, सुधार कर रहे हैं आप, आपका मानना है कल्चर में सुधार कर रहे हैं। पार्क एंड गार्डन कम हो गए थे, हम पार्क एंड गार्डन को बढ़ा रहे हैं, बिकॉज ग्रीन कवर इज एसेंशियल फॉर आवर डेवलपमेंट, एंड नन ऑफ दोस वर्क इज जो कि हमारे जो है इनहेरेंट जो कल्चर है उसको डिस्टर्ब नहीं कम करेंगे। करेगा। ठीक हाँ, ठीक सप्ली अच्छा यादव जी, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की भी कोई योजना है? ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है दैट्स नॉट अ मैंडेट ऑफ जो है वो स्मार्ट सिटी का मैंडेट वो नहीं है, उस पर कोई भी कमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट कर पाएगा। आई विल नॉट बी एबल टू मेक एनी कमेंट ऑन एनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दो ओके दैट्स गोइंग ऑन इन फुल स्विंग, बट आई विल नॉट बी एबल टू मेक एनी कमेंट और अपडेट यू ऑन एनीथिंग ऑन दैट। ओके ओके। इससे आप निश्चित रूप में मानते हैं कि टूरिस्ट बढ़ेगा स्मार्ट सिटी बनने के बाद? जी जरूर, जो है जाहिर तौर पर जो है स्मार्ट सिटी बनने के बाद, और उसके साथ ही केवल स्मार्ट सिटी नहीं, गवर्नमेंट द्वारा जो है और भी काफी सारे प्रोजेक्ट जम्मू में किए जा रहे हैं जिनका मकसद है कि हमारा जो है टूरिज्म बढ़े, जिसमें चाहे हमारा जो हमारा यहाँ पर हमारा जो है जम्मू जू बनाया जा रहा है जम्मू गवर्नमेंट द्वारा, इसी तरीके से तिरुपति तिरुमाला तिरुपति का एक तिरुपति जी का तिरुपति बालाजी का एक टेम्पल जो है यहाँ पर भी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जो तो जो मंदिर का शहर है उसमें और एडिशन हो रहे हैं, ओके तो टूरिस्ट उससे अट्रैक्ट होंगे। इस तरीके से जैसे हमने मैंने आपको बताया कि तभी रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, और भी हम जो है लेजर शो, म्यूजिकल फाउंटेन, इस टाइप के इंट्रोडक्शन जो है किए जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड वी आर होपफुल कि जब हमारे जब लास्ट टाइम भी जैसे कि देर वाज ए ह्यूज इन्फ्लक्स, इस साल जो हमारे टूरिस्ट का जो नंबर है वो पिछले साल के मुकाबले काफी बड़ा है, एंड विद दीज एडिशन इट विल बी फर्दर, इट विल गो फर्दर। अच्छा, एक सवाल ये है कि मान लो आपने स्मार्ट सिटी बना दिया, घोषित हो गया, उसके बाद वो मेंटेन्ड है, उसके लिए क्या योजनाएं रखते हैं आप? देखिएगा उसके लिए वो हमारा एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जहां जहां पर हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वी आर उसको, क्योंकि स्मार्ट सिटी को किसी ना किसी को उसको हैंडओवर करना है, कि फॉर ओके एग्जाम्पल अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो हम उसको हैंड ओवर कर रहे हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को ही, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उसको मेंटेन करेगी। अगर हम रोड्स इंप्रूवमेंट कर रहे हैं उसको हम हैंड ओवर कर रहे हैं वापस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो उसको इंप्रूवमेंट उसको जो है वो ओके ठीक मेंटेन करे। तो इसी टाइप से तवी रिवर फ्रंट हम बना रहे हैं, उसको भी आइदर वी विल बी हैंडिंग ओवर इट टू सम डिपार्टमेंट, और वी विल बी हैविंग अ सेपरेट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से साबरमती रिवर फ्रंट के लिए अलग अथॉरिटी है, वी विल बी डेवलपिंग अ सेपरेट अथॉरिटी, मींस वी विल बी डेवलपिंग अ सेपरेट अथॉरिटी, बट ऑल द मेजर प्रोजेक्ट विल बी हैंडेड ओवर टू सम और अदर एजेंसी फॉर फर्दर मेंटेनेंस, फॉर इस फर्दर अपकीप, सो दैट इट्स शुड नॉट बी अ वन टाइम अफेयर एंड शुड नॉट इट एंड इट शुड बी कंटिन्यू। जैसे अभी तो यात्री जो भी आता है वैष्णो देवी के नाम से जम्मू आता है, अभी स्मार्ट सिटी बनने के बाद जम्मू के नाम से भी आना शुरू होगा, ऐसा मानते हैं आप? जो हमारे टूरिस्ट आते हैं वो जम्मू के नाम से भी आते हैं,
इट्स नॉट लाइक दैट। जो सबसे बड़ा जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है जम्मू डिवीजन में, दैट्स माता वैष्णो देवी श्राइन, इट्स देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट दूसरे जो हमारे टूरिस्ट जो है वो दूसरे प्लेसेस पर भी विजिट करने के लिए आते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया बाबे वाली माता का जो हमारा टेम्पल है इट्स वेरी रिवर्स्ड प्लेस, इस तरीके से रघुनाथ टेम्पल हो गया, इवन जो है हमारे यहाँ पर जो है वो जो 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 है और भी काफी सारे, जैसे आपको मैंने बताया कि इस समय जो है वो तिरुपति बालाजी का टेम्पल अंडर कंस्ट्रक्शन है, दैट विल बी रेडी। जम्मू जू हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, दैट विल बी रेडी विद इन फ्यू डेज। और सो ऑलरेडी काफी सारे अट्रैक्शन जम्मू में ऑलरेडी भी है जहाँ पर रिवर्स्ड लोकेशन है, जहां पर लोग आते रहे हैं लोग, और उसमें और एडिशन किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, सो दैट और ज्यादा लोग आकर्षित हों और ज्यादा लोग जो है इन चीजों से जुड़े, यहाँ पर टूरिस्ट में जो है बढ़ोतरी। अच्छा राहुल जी, इसमें तो पब्लिक का आपको पूरा सपोर्ट मिलता होगा, इसमें किसी तरह का कभी कोई विरोध और सामना नहीं करना पड़ता होगा। वो जो है हमारा जो है वो हमें लार्जर लेवल पर पब्लिक का सपोर्ट जरूर मिलता है, एंड अगर कोई माइनर इशू होता है तो दैट इज डेल्ट एज द सिचुएशन मींस एज पर द इशू इटसेल्फ, क्योंकि लोगों के कई बार पर्सनल इश्यूज भी होते हैं, दे आर सम जेन्युइन इश्यूज कि हम कोई वर्क कर रहे होते हैं उसमें किसी कोई जेन्युइन ग्रीवेंस होती है, तो दैट्स टेकन एट द पॉइंट ऑफ मींस जब वो इशू आता है उस समय उसको डील किया जाता है। अब मैं आपसे पर्सनली अपना एक सवाल जानना चाहूंगा कि आपका क्या ड्रीम है आगे लाइफ में? देखिएगा अब एज ए आईएएस इट हार्डली मैटर्स, देश की क्या सेवा के ड्रीम लिए, समाज की सेवा के लिए क्या ड्रीम रखते हैं आप? उसके लिए तो देखिएगा मैंने आपको बताया कि आप हम अपना काम जो हमें जो काम जो असाइनमेंट मिला है जी हम उस असाइनमेंट अच्छे तरीके से करें, इसके अलावा मेरा कोई ड्रीम नहीं। वेरी गुड। ठीक है, असाइनमेंट विच असाइन टू मी आई शुड बी डूइंग इट विद फुल ऑफ माय कैपेसिटी एंड बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, ओनली थिंग आई आई एम फॉर, नथिंग मोर देन दैट। थैंक यू। हमारी पब्लिक के लिए, दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं अभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां जहां पर भी हमारे स्मार्ट सिटीज के काम हो रहे हैं उसमें हमारे जो भी लोग हैं वो जो भी हमारे वहाँ के लोग हैं वो उसमें पूरा जो है सपोर्ट करें, और उन जो न्यू असेट गवर्नमेंट बना रही है उनको आप अपनी असेट की तरह ट्रीट करते हुए उनको मेंटेनेंस में भी जो है गवर्नमेंट का सहयोग करें, सो दैट हम अपने सभी सिटीज को बेहतर लिवेबल सिटीज बना सकें और बेहतर अर्बन स्पेस हम बना सकें, क्योंकि अब हमारा हिंदुस्तान जो है वो अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और अर्बन स्पेसिस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें से आना स्टार्ट हो गई है, जिसमें बहुत सारे रिस्पॉन्सेज गवर्नमेंट ने देने हैं पर बहुत सारे काम जो है वो लोगों को पर्टेन करते हैं, चाहे वो साफ सफाई रखने के ऊपर हो, चाहे वो अपनी एसेट्स को बेहतर मेंटेन रखने के ऊपर हो, तो उसमें भी आप लोग हमारा सहयोग करें सो दैट हम एक बेहतर अर्बन एनवायरमेंट बना सके, एक बेहतर हिंदुस्तान बना सके। जी जी हमारे चैनल के लिए दो शब्द बोलेंगे। आपको जो है मैं यही बोलूंगा कि आपको बेस्ट ऑफ द लक। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बेशकीमती समय दिया राहुल जी।